एक्वेरियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ एंड टुडेज टॉपिक इज पॉन्ड रेनोवेशन। और फ्रेंड आज क्या होने वाला है, आज इसकी जो सारा सिविल वर्क जितना था वो सारा हो चुका है, तो उसकी लास्ट वॉशिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है और कुछ लास्ट चीज़ हम लोग को लगाना चाहिए, इसमें यूवी लगाना और पंप वगैरह लगाना, तो उसके बारे में आज की वीडियो से अपनी वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं लास्ट क्या क्या काम चल रहा है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं इस साइड क्लीनिंग हो चुकी है और इधर देख सकते हैं अंदर फर्टिलाइजर भी डाल दिया है लोटस के लिए अपने, देख सकते हैं प्लांट्स ग्रो करेंगे। इधर वाला लगभग पोर्शन पूरा क्लीन हो चुका है, वॉश हो चुका है और इधर वाले साइड पे वॉशिंग चल रही है अभी। ये रहा अपना यूवी, देख सकते हैं इसकी लेंथ देख सकते हैं कितनी है और ये यहाँ पर लगने जा रहा है जहाँ पर देख सकते हैं वॉल में होल ड्रिल करेंगे और यहीं पर इस यूवी को लगाएंगे। अभी निकल नहीं रहा, बाहर निकल रहा है अभी तो। और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर वाटर प्रूफिंग करी जा रही है ये, ताकि अंदर पूरा ये वाटर टाइट हो जाए। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत है बट जो काम तो करना ही करना है, तो जो अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करिए और देखिए क्या काम चल रहा है जो कि हम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम वीडियो तो शूट करते रह नहीं सकते हैं, फिर वीडियो शूट करेंगे तो फिर काम कैसे होगा यहाँ पर। तो चलिए आप लोग जब तक टाइम लैप्स एंजॉय करिए। ये बोन मिल कितने का आता है? ये 70 रुपये। अच्छा कितना होता है पैकेट में? 1 kg। और डाल दूँ पूरा तसला डाल दिया क्योंकि पानी पड़ेगा ना बैठेगी मिट्टी। ठीक पानी डाल दिया उसके अंदर, पानी डाल दिया और क्या। ये वाले 3 पाइप हैं इसमें, एक में से एक को हमने एयर लाइन और वायर्स वगैरह के लिए छोड़ा हुआ है, एक से वाटर का इनलेट रहेगा यूवी का, एक से आउटलेट रहेगा यूवी का। तो अभी हम लोग इसमें लगाएंगे एक एल्बो और इसमें से पाइप जाके इधर कनेक्ट होगा और दूसरा वाला पाइप इधर जाके इधर यूवी में कनेक्ट होगा।
उससे मतलब नीचे वाले टाइल की बात बता रहे हैं, जो इधर लगा हुआ है टाइल, ये वाला टाइल, हाँ इसको नीचा करना है, मतलब कि जैसा ये नीचा है उससे नीचा वो वाला रहे या उसके बराबर रहे, वो उससे ऊंचा हो गया, हाँ ये वाला इससे नीचे रहना चाहिए, इससे बस इससे हमें मतलब है, वो वाला टाइल उससे नीचे रहना चाहिए, ऊपर वाला टाइल उससे नीचे रहना चाहिए, बस समझ गए। अरे भाई तो ये तो उठा, तुम इससे तो कर दोगे नीचे, इससे भैया पानी बंद कर दिए, हाँ बस समझ गए हम क्या बता, हाँ काट दो इसको, काट दो इसको, ये कर दो, किस चीज़ का सामान, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे यूवी लगाया जा रहा है और यूवी यहाँ पर रबर पाइप कनेक्ट करा जा रहा है जिससे पानी की सप्लाई आएगी इस यूवी के अंदर और यूवी से फिर पानी वापस होके स्टरलाइज होके पानी बाहर जाएगा। और ये देख सकते हैं ये कवर बनाया जा रहा है, एक्चुअली कवर का फ्रेम है ये जो कि अपना सम्प के ऊपर रहेगा ताकि सम्प के अंदर किसी भी तरह की जो इम्प्योरिटीज़ है, मतलब कि ये ओपन एरिया में है तो कभी हवा चली तो पत्तियाँ हो गई या फिर डस्ट हो गई वो सब ना जाए और सनलाइट भी ना जाए, क्योंकि सनलाइट जाएगी तो पूरी एल्गी आ जाएगी उसके अंदर भी, तो ऐसा कुछ भी ना हो, तो इसलिए ये कवर बनाया जा रहा है और इसको मूवेबल बनाया जा रहा है, इसको उठा के अंदर हम लोग क्लीनिंग भी कर सकें, सर्विस कर सकें इसकी। तो ये देख सकते हैं ये है और ये देख सकते हैं अपने पॉन्ड के अंदर पानी आना शुरू हो गया, फर्स्ट टाइम फाइनली पानी आ रहा है इसके अंदर और पानी फिल होना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सारा काम अब हो चुका है, अब इसके अंदर लोग पानी भरेंगे और फिर वाटर फिल होने के बाद कुछ देर तक इसको चलने देंगे कि कैसा चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं सही है, फिर कल इसके अंदर हम लोग मीडिया फिल करेंगे, इसके अंदर जितना भी हम लोग को बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करना है, मैकेनिकल मीडिया ऐड करना है, वो सब ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर हम लोग इसके अंदर फाइनली इसके अंदर हम लोग फिशेज ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं ये है अपना सम्प, आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं सम्प बनने के बाद में, ये 3 कंपार्टमेंट हैं, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है जिसके अंदर अपने कोई लावा रॉक्स आएंगे, बड़े बड़े पीसेज आएंगे और फिर इसके अंदर हमारा बायोलॉजिकल मीडिया आएगा, सिरेमिक रिंग हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ये आएंगी और थर्ड जो अपना चैम्बर आएगा इसके अंदर K1 मीडिया आएगा। ये देख सकते हैं ये लावा रॉक है, अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ लावा रॉक 200 kg के अराउंड लावा रॉक था टोटल और ये बड़े पीसेज हैं कुछ इसके और कुछ छोटे पीसेज भी हैं, तो इनको वॉश करा जा रहा है सबको, देख सकते हैं जितनी भी बोरियां रखी हुई हैं ये सब सैक जितने भी रखे हुए हैं इनके सबके अंदर मीडिया भरा हुआ है, ये और भी कुछ पड़े हुए हैं पीछे साइड में, तो ये देख सकते हैं। और उधर लावा रॉक फिल हो चुका है, फुटेज डिलीट हो गया था कि मैंने पहले बताया इसके अंदर फिल करा गया पूरा लावा रॉक इसके अंदर, और इधर देख सकते हैं एक मीडिया पूरा फिल हो चुका है, जो रेड कलर का आप लोग को सिरेमिक रिंग देख रहे हैं वो 200 kg सिरेमिक रिंग थे और ये भी 200 kg, ये बायो बॉल्स, ये जो बॉल वाला जो मीडिया है ये काफ़ी पोरस होता है, ये भी 200 kg से, देख सकते हैं इतने सारे पूरे बोरे खाली हो चुके हैं अपने फिल और अभी भी कुछ रखे हुए हैं, तो ये देख सकते हैं इसको भी वॉश करना है पहले अच्छे से, ऐसे ही ना डाल दिएगा वरना आपका वाटर पूरा क्लाउडी हो जाएगा, देख सकते हैं इसको ऐसे लिए और किसी भी छन्नी जैसी चीज़ में, सीव जैसी चीज़ में निकाल के कर सकते हैं, देख सकते हैं वाटर स्टार्ट करके हम लोग देख रहे हैं सही से आ रहा है पानी नहीं आ रहा है, एक बार टेस्टिंग हो रही है अपने वाटर की फिर से एक बार मीडिया डालने के बाद में, और पंप बंद करा गया है एक बार देखने के लिए कि वाटर बैक होकर कितना जा रहा है, देख सकते हैं पानी आना स्टार्ट हो गया है और कुछ ऐसे पानी आ रहा है, तो सही है वाटर बट थोड़ा सा बड़ा पंप होता तो ज़्यादा सही आता है, बट हम लोग को एनर्जी एफिशिएंसी का भी ख्याल रखना था कि एनर्जी एफिशिएंट रहे जो भी हम लोग पंप यूज़ करेंगे, क्योंकि 24/7 पंप यूज़ होने वाला है, देख सकते हैं ग्लास ये लगा हुआ है और इसके अंदर पाइप से पानी बाहर आ रहा है और किसी भी पंप से पानी नहीं आ रहा, ग्रेविटी से ही बाहर आ रहा है पानी, प्रेशर से। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो पॉन्ड वर्क था ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर जो आप लोगों ने लास्ट की फुटेज देखी कुछ अजीब सी हो गई, मतलब कि क्लियर चीज़ें नहीं दिख पाई कैसे क्या हो रहा है स्टेप वाइज, तो फ्रेंड कुछ फुटेज जो है वो डिलीट हो गई, तो पहले तो मैंने सोचा कि ना बनाऊँ आगे की वीडियो क्या करूँ, बट फिर सोचा कि जितनी फुटेज है उसी को जोड़ जाड़ के कंपाइल करके कुछ तो आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे वर्क हुआ था इसका। माना कि मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो लास्ट की 2 वीडियो रही इसमें मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो फुटेज सही से है नहीं, मुझे कुछ जोड़ जाड़ के बस जुगाड़ करके बनाना पड़ रही है वीडियो, तो बस ये जो थी आज की कह सकते हैं लास्ट वीडियो थी इस रेनोवेशन की। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने देखा जितना भी काम हो गया अपना पॉन्ड पूरा सिविल वर्क इसका पूरा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर मीडिया डाल दिया हम लोगों ने, इसके अंदर यूवी लगा दिया है, K1 मीडिया डाल दिया है, इसके अंदर एयर पंप लगा दिया है और जो मेन पंप है सर्कुलेशन वाला वो लगा दिया है, तो अब हम लोग इसके अंदर कोई फिश जो अपने पत्ते टाइम से थी उन कोई फिश को चलते हैं और ऐड करते हैं इसके अंदर, आप लोग को आगे की वीडियो दिखाते हैं।
सो फ्रेंड्स फाइनली ये अपनी जैपनीज कोई जो कितने टाइम से मेरे क्वारंटाइन टैंक में थी, अच्छे से क्वारंटाइन हो जाने के बाद इनको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं इस पॉन्ड के अंदर। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर 4 कोइज हैं, इनको हम लोगों ने डाल दिया था काफ़ी देर से, ये एक्लीमेट हो रही थी इस पॉन्ड के अंदर और वे एक्लीमेट हो चुकी हैं, अब इनको फाइनली रिलीज़ करने जा रहे हैं। और फ्रेंड सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट है क्योंकि इतने टाइम से ये हमारे पास एक टैंक में थी, अब ये फाइनली इस पॉन्ड के अंदर जा रही हैं और जो इनका फाइनल होम है उसके अंदर। फ्रेंड्स कोई का जो मज़ा है वो पॉन्ड के अंदर ही आता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, सच में कितनी खूबसूरत लग रही है इस पॉन्ड के अंदर ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। और ये इनकी रियल ब्यूटी नहीं दिख पा रही क्योंकि एक तो रात का टाइम है तो सनलाइट भी नहीं, सनलाइट में और अच्छी दिखती हैं, और अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में भी क्योंकि पैक होके आई हैं ये और थोड़ी देर से पैक थी, धीरे धीरे जैसे रिलैक्स होंगी ये फिर ये अच्छे स्विम करना शुरू करेंगी तब इनकी खूबसूरती देखने लायक होगी, बट स्टिल अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं कोइज इसके अंदर। और जो मॉलीज वगैरह आप लोग को इसके अंदर दिख रही हैं और गोल्ड फिश वगैरह छोटी मोटी दिख रही हैं फ्रेंड, ये पहले से ही थी इसके अंदर रेनोवेशन होने से पहले, और ये कुछ टाइम से टेम्परेली एक स्विमिंग पूल के अंदर थी, अब इनको वापस से ऐड कर दिया गया, जब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई तब हमने इसके अंदर ला के ये कोइज ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, और फ्रेंड माना कि जो वीडियो है कुछ आप लोग को मे बी चीज़ें अजीब सी लगी हो क्योंकि फ्रेंड मुझे खुद को मज़ा नहीं आ रहा इसको एडिट करने में, बट स्टिल करना पड़ा क्योंकि आप लोग तक कुछ ना कुछ तो कंटेंट पहुंचाना ही था इस पॉन्ड का, तो मैंने सोचा एडिट करके बना देता हूं वीडियो। और फ्रेंड इसकी अभी सिविल वर्क जितना था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ करी गई जैसे कि यूवी हो गया और मीडिया हो गया, K1 मीडिया, एयर पंप, जितनी चीज़ें यूज़ करी गई हैं उस वो सारी चीज़ें आप मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड इसका जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बट इसकी अपडेट की वीडियो अभी आएगी और इसके ऊपर एक लिड वर्क करना है और इसके अंदर कुछ और जैपनीज कोई ऐड करना है, तो उनकी भी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो स्टे ट्यून, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर का बटन को दबा के, है ना। और पहले अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।